ये है बरेली और आप देख रहे हैं बरेली प्राइम, बरेली's नंबर वन चैनल। नमस्कार दोस्तों, आपकी बात कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत। आपकी बात कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं शहर के प्रतिष्ठित लोगों से, जिन्होंने अपनी अपने क्षेत्र में अपने विशिष्ट योगदान दिए हैं और विशिष्ट सेवाएं की हैं। इसी क्षेत्र में आज जो हमारे पास एक हस्ती हैं, उनके बारे में बताने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि हर शहर की अपनी एक धड़कन होती है, उसमें हलचलें होती हैं। ये हलचलें राजनीतिक होती हैं, सामाजिक होती हैं, सांस्कृतिक होती हैं। तो सांस्कृतिक हलचलों को एक दिशा देने वाले, उनमें एक समागम पैदा करने वाले और उनमें पुरजोर असर पैदा करने वाले बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए, कबीर सम्मान से नवाजे हुए हमारे शहर के श्री जेसी पालीवाल साहब आज हमारे बीच में मौजूद हैं। हम उनका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। पालीवाल साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत। पालीवाल साहब ऑल इंडिया कल्चरल एसोसिएशन एका के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश कौमी एकता एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एनी रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इसके अलावा रिक्शा चालक व ऑटो रिक्शा चालक के आप संरक्षक हैं और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा समिति और एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसी के साथ आप शहर की लगभग साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। किसी के आप सचिव हैं, किसी के आप सदस्य हैं, तो बहुत लंबी फेहरिस्त है। उस पर ना जाते हुए पालीवाल साहब से पूछना चाहेंगे कि आपकी अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ रही? मेरी शिक्षा तो बड़ा ही कई स्थानों पर रही, जहाँ जहाँ मेरे भाई जो वर्ल्ड पीस काउंसिल के एक जनरल सेक्रेटरी थे, ओ पी पालीवाल, वो जहाँ जाते रहे मेरी शिक्षा। मेरी शिक्षा सबसे पहले तो हाई स्कूल तक की शिक्षा तो उत्तर प्रदेश ये फिरोजाबाद शहर में हुई। इसके बाद मुझे इलाहाबाद जाना पड़ा, इलाहाबाद के बाद मैं नागपुर गया। तो मेन तीन जगहों पर मेरी शिक्षा हुई है। नागपुर की लास्ट एजुकेशन, ग्रेजुएशन मेरा नागपुर से हुआ, और इसलिए मैं तो उसको कहिए खाना मदोश, जहाँ जहाँ मेरे बड़े भाई जाते रहे मैं वहीं जाता रहा, वहाँ एजुकेशन। इसीलिए डिफरेंट कल्चर का वहीं से प्रभाव भी, इलाहाबाद की संस्कृति देखी, नागपुर की, महाराष्ट्र की संस्कृति देखी, उसका जीवन पर प्रभाव भी है, गहरा प्रभाव। ये सामाजिक और सांस्कृतिक जो जुड़ाव आपके अंदर आए, इसके जो गठबंधन आपके अंदर पैदा हुए, ये किस तरीके से शुरुआत? ये मेरे जो परिवार है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार है। मेरे भाई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एमएलए भी रहे, कजिन ब्रदर रामचंद पालीवाल, और वो परिवार के सदस्य होने के नाते तो अंदर जब हम आज़ादी मूवमेंट में, मैं तो उस वक्त मुश्किल से एक 42 के आंदोलन, जब वो 42 के आंदोलन में थे तब से ये जुड़ गया। तो वहाँ पर फिरोजाबाद में एक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स की आबादी उस जमाने में 50% से भी ज़्यादा थी, 52% मुस्लिम, 48% हिंदू थे, गरीबी की रेखा से नीचे। तो हमारा मकान बिल्कुल ठीक वहीं सराय एक है, जैसे कि यहाँ की सराय है, उसके बराबर में एक ऊंचा सा मकान हम लोगों का था। वहीं रहते तो उनकी सारी गतिविधियों को देखते थे, झगड़े होते थे आज़ादी से पहले तो उसमें हम लोग कूद पड़ते थे, क्योंकि भाई कूदते थे तो हम लोग भी कूदते थे। ये प्रभाव वहाँ से आया, रिफ्यूजी हमारे सामने आए, ये देखने का मौका लगा। उन्होंने भाई साहब ने कहा कि जाइए, पिताजी ने कहा कि इनको मदद करिए, पैसे दीजिए इनको और सब्जी वगैरह बेचने का जो काम किया। तो सामाजिक एक चेतना प्रारंभ से ही, बचपन से ही पैदा हुई जबकि मैं स्टूडेंट था, उसका प्रभाव, गहरा प्रभाव देखने को मिला उस गरीबों के साथ काम करने का। बड़े परिवार, जमींदारी परिवार का थोड़ा असर तो था ही, तो पैसा देते हुए भी अच्छा लगता था उनको मदद करने, हालांकि रात को वापस कर जाते हैं, शाम को वापस करते थे वो, लेकिन अच्छा ये प्रभाव जीवन में तो है। जिस तरह की चेतना आपके अंदर आई, बड़े भाई का असर, पिताजी का असर, उसको आपने एक वृद्ध स्तर पर लाके उसे बरेली महोत्सव के रूप में आपने फाइनल उसको जो टच दिया,
तो एका के तहत जी आप किस किस तरह के कार्यक्रम करवाते हैं? देखिए, एका का जो क्षेत्र है वो तो पूरे भारत है जी, और यहाँ पर ऐसा कोई शायद ही प्रदेश होगा जहाँ से कि, जैसे केरला से, इस बार भी केरला से टीम थी, आसाम से टीम थी, कश्मीर से टीम थी। तो एक्चुअली इसके जो पीछे जो भावना रही कि थोड़ा सा राजनीतिक दलगत जो बातें थी या कहते हैं सामाजिक परिस्थितियों पृष्ठभूमि में ज़्यादा ध्यान देते हुए मन में एक बात आई कि ये सब राजनीति अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बन सकता है जो सामाजिक समस्याओं को निराकरण कर सके? तो दिमाग में आया कि सब संस्कृति के माध्यम से लोगों को जोड़ा जा सकता है और जोड़ने का प्रयास किया। तो बचपन में ही, जब से मैंने स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन लड़ा 1952 में, मैं जब प्रेसिडेंट यूनियन का बना फिरोजाबाद में, तो तभी से दिमाग में ये बात आई कि नहीं, भी किसी एक दल या एक जाति एक विशेष से तो आप ये काम नहीं कर सकते, आपको सबको लेकर चलना पड़ेगा। वो प्रभाव बचपन का जो था, मेरे एक गुरु थे मास्टर शीतला प्रसाद सिंह जी, वो भी कहा करते थे कि बेटा तुम्हारे अंदर टैलेंट तो सब है, एक प्रतिभा है, उस प्रतिभा को निखारने का सबसे बड़ा एक ऐसा मंच तैयार करो। तो हमने बचपन में वीर अभिमन्यु नाटक, उन्हीं की प्रेरणा सबसे पहले 1952 में खेला, और वो वीर अभिमन्यु क्या खेला, वीर अभिमन्यु की भूमिका क्या अदा की, वो जीवन में कैसा एक जोश भर गया, एक ऐसा उत्साह भर गया कि लगने लगा नहीं, हम अगर अभिमन्यु मुकाबला कर सकता है, अभिमन्यु साथ भारतीयों को बदल सकता है, तो कहीं छोटी छोटी चीजों का मुकाबला करने के लिए सक्षम नहीं है? वो प्रेरणा आज भी 1952 में तो हीरो बने नाटक के, लेकिन आज भी दिमाग में वो भरा हुआ है कि नहीं, कुछ भी कह सकता है, आज भी मैं थकान तो महसूस नहीं करता हूँ। जिस तरह हमारी सारी राजनीतिक पार्टियां जातिगत चीजों को लेकर चलती हैं, उन्हीं को आधार बनाती हैं, आपकी जो कल्चरल एसोसिएशन है, ऐसे हिंदुस्तान में बहुत जगह सब चीजें चल रही हैं जो सभी धर्मों के लोगों को, सभी विशेष वर्गों के लोगों को, संप्रदाय के लोगों को, ऊंच नीच का भी भेदभाव नहीं है उसमें जी। तो क्या आने वाले समय में कोई ऐसा रूप नहीं देखा जा सकता है कि जब इस तरह का कल्चर जिसमें कल्चरल लोग हैं वो उभर के आए? नहीं, ये तो नजर आ रहा है, हम जाते हैं पूरे हिंदुस्तान के सब प्रदेशों में जाते हैं, वहाँ जब जाते हैं तो एक बात अनुभव की जा रही है, ये जो जितना आपका जाति जाति बात कहिए, जाति समीकरण कहिए, वर्ग बात कहिए, जितना यहाँ दिखाई देता है उत्तर प्रदेश या बिहार में है, तो पूरे देश में जाता हूँ, अभी अभी गुजरात होके आए हैं, इससे पहले हम लोग आपका उड़ीसा गए थे, इसी साल में दो प्रदेशों के क्या दो ध्रुवों पर हम लोग गए पूर्व पश्चिम में, तो ये परिवर्तन देखा जा रहा, लोग भी चर्चा करने लगे हैं, प्रेस भी वार्ता करता है तो एक चर्चा करता है कि भाई क्या आपको परिवर्तन लक्षित नहीं होता, ये अति नहीं हो चुकी है, यानी ये जाति की या संप्रदाय बात की अति नहीं है, ये लोग महसूस करते हैं। मेरा ख्याल तो ये है कि आने वाले जो समय 5 या 10 साल का समय होगा, एकदम परिवर्तन दिखाई देगा दो चीजों में, एक तो ये गुंडागर्दी, निश्चित रूप से राजनीति की गुंडागर्दी पर अंकुश लगेगा, मेरा ये मानना है बाहर प्रदेशों में जाने के बाद, और दूसरा जातिवाद पर अंकुश लगेगा, ये मानना है, क्योंकि अब जो लोग हैं पहले अनएजुकेटेड थे, बहुत ज्यादा अनएजुकेटेड थे, मुझे याद है मैं रीवा एक बार जब गया वहां पर तो रेल नहीं जाती थी, हम लोग टीम लेके गए थे, बसों से गए थे, तब में रब में बड़ा फर्क है, जागरूकता है, अब जागरूकता आई है, आजादी के बाद निश्चित रूप से विकास हुआ है, लेकिन ये जो राजनीति ने एक दोष एक गुंडागर्दी का या जातिवाद का फैलाया, पहले वर्गवाद था, लेकिन अब तो जातिवाद ज्यादा हुआ है, अंकुश लग रहा है, मेरा ये मानना है अंकुश लग रहा है, खासतौर से सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं के माध्यम से लोग विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, सेमिनार करते हैं, बुद्धिजीवी सम्मेलन करते हैं, उसका प्रभाव है। सांस्कृतिक रूप में अगर उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश एक पौराणिक प्रदेश के रूप में भी है, यहाँ पर राम का जन्म हुआ, यहाँ पर कृष्ण का जन्म हुआ, बुद्ध भी यहाँ आए, यही सब इलाका था। अगर हम इसको देखें तो हमारी संस्कृति, उत्तर प्रदेश की संस्कृति बहुत पुरानी है और बहुत मजबूत है, लेकिन क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विकास उस तरीके से नहीं हुआ? अगर आप साउथ को देखें तो वहाँ की जो नृत्य शैलियां हैं, बंगाल को देखें वहां का जो एक कल्चर है, मतलब वहां के लोग संस्कृति में जीते हैं, उत्तर प्रदेश में क्या ऐसी बात है कि वो लोग अपनी ही संस्कृति को भूले हुए हैं और संस्कृति का विकास वहां यहां उस रूप में नहीं है? देखिए, ये तो कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई क्लासिकल या जिसको शास्त्रीय नृत्य और संगीत का क्षेत्र में आप उसको मान सकते हैं कि यहाँ का अपना कोई ज़्यादा विकास नहीं हुआ, लेकिन जहाँ तक हमारी ब्रज संस्कृति है किसी से कम नहीं है, ब्रज संस्कृति का तो अपना एक प्रभाव है, और ब्रज संस्कृति के ही क्षेत्र में, यानी आज अगर कहीं हिंदुस्तान में आप जाइए तो ब्रज के तमाम देखिए, ये जो रसिया ढोला इस प्रकार के जो हैं, ये सबके सब आज भी बहुत पॉपुलर हैं, और जहाँ तक महाभारत और रामायण की बात है, इसका विकास भी यहीं से हुआ, तो रामायण महाभारत ने तो नाटकों को जन्म दिया है,
नाटक जो है वो भी तो इसी की एक विधा है, संस्कृति का एक विधा है। तो नाटक आज 2000 वर्ष अगर पहले यहाँ से प्रारंभ हुए हैं तो ये संस्कृति भी तो संस्कृत के भाषा से लेकर अब चाहे वो संस्कृत कही और आज का वर्तमान रूप, ये निश्चित रूप से परिवर्तन जो आया है वो उत्तर प्रदेश ही लाया है। दुर्भाग्य ये रहा कि यहाँ के जो भी आज़ादी के बाद जो सरकारें आईं उन्होंने अपनी धरोहर को कायम रखा, यहाँ पर धरोहर को जिंदा रखने के लिए इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया गया। और कारण उसका ही था, अगर ये प्रयास करते होते तो शायद उनको लग रहा था कि हमें राजनीति ये क्या देगी। राजनीतिक दृष्टिकोण यहाँ ज्यादा रहा और कभी जो है उन्होंने सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर इसको नहीं देखा, कि दुर्भाग्य कहा जाएगा उत्तर प्रदेश को। जी हाँ, कौमी एकता से भी आप जुड़े हैं और इसके आप प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश कौमी एकता एसोसिएशन के। बरेली वैसे बड़ा शांत शहर माना जाता है इस मामले में, लेकिन फिर भी ये देखा जाता है कि छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, विवाद पैदा हो जाते हैं। पिछले दिनों भी ये घटना घटी इस तरीके से, तो जी हाँ, तो इसका कारण क्या देखते हैं, क्यों इस तरह से यूनाइट नहीं हो पा रहे लोग? देखिए, इसमें राजनीति दोषी है, राजनीति दोषी इस मामले में राजनीति दोषी है कि ये लोगों को तो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, राजनीति प्लेटफॉर्म चाहती है। राजनीति नेगेटिव होती है, नेगेटिव तो वैसे तो कहीं ना कहीं प्रेस भी कभी कभी नेगेटिव होता है, ये तो नहीं कह सकता है, नेगेटिव से वो पॉजिटिव ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन राजनीति निश्चित रूप से पॉजिटिव न करके नेगेटिव रास्ते पर जाती है ताकि उनका प्रचार हो। जब आप बुरा एक लक्ष्य लेके चलेंगे तब आप शायद आएंगे। आप किसी क्षेत्र में देख लीजिए, तो ये जो हुआ है कौमी एकता का जो एक अगर कहीं बिखराव हुआ या बिखरी है अगर, तो उसके पीछे कारण ये था कि कुछ नेता अपने को भरने के लिए कोई तो धर्म के नाम पर इकट्ठे हुए हैं और कोई जाति के नाम पर इकट्ठे हुए हैं, तो वो अपने को लाइमलाइट में आने के लिए, प्रमुखता में आने के लिए कोई ना कोई ऐसा भवंडर बचा देते हैं छोटी बात पर। और प्रशासन जो है कहीं ना कहीं उस मामले में अपने को ये महसूस करता है कि नहीं भाई कहीं ऐसा ना बने कि पॉलिटिकल रंग इसका हो जाए, लेकिन इसमें दृढ़ता के साथ मुकाबला अगर किया जाए, सामाजिक संगठन इसके लिए आगे आते हैं, अगर सामाजिक उसमें सहयोग किया जाए तो ये कोई भला नहीं है। क्योंकि ये बात तो हम देख रहे हैं 1947 से लेके 1952 से, तो यहाँ मैंने क्या नाम बरेली में देख रहा हूँ कि तमाम उतार चढ़ाव आए, लेकिन निश्चित रूप से लोगों ने यहाँ की मानसिकता जो है, ज्यादातर लोगों की मानसिकता, 90% लोगों की मानसिकता, बल्कि 95-96% लोगों की मानसिकता इस प्रकार के तनाव पैदा करने की नहीं है। कुछ लोग जो पैदा करते हैं थोड़े समय, चाहे वो मंदिर का मुद्दा रहा हो, मस्जिद का मुद्दा रहा हो, अभी कोई कहीं मस्जिद या मंदिर में गोश्त फेंकने का मुद्दा रहा हो, कभी लोग भड़कते उतरे नहीं है, वो केवल एक 2-4% लोग ही इसमें तूफान बचाते हैं। और मेरा तो मानना यह है कि अगर प्रेस उसको हाईलाइट ना करे, मीडिया उसको हाईलाइट ना करे, तो शायद उनके हौसले पस्त हो जाए, वो कहेंगे नहीं भाई कुछ मिलता तो ही नहीं, क्या करेंगे उसका। आपके पास दो महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, कौमी एकता का भी और कल्चरल एसोसिएशन का भी। कौमी एकता में इस तरह का सामंजस्य पैदा करने के लिए और इसे ज्यादा पुरजोर बनाने के लिए और बरेली एक मॉडल के रूप में, मॉडल शहर के रूप में उभर के आए, आप कल्चरल अपने प्लेटफॉर्म से बरेली को बहुत कुछ दे सकते हैं, एक सेल बना सकते हैं, जगह जगह प्रोग्राम ऐसे करवा सकते हैं। तो आप इनके दोनों के चीफ होने के नाते आप पे एक नैतिक जिम्मेदारी ये नहीं आती कि बरेली शहर को आप कल्चर वाइज एक ऐसी तेजी, ऐसी जागरूकता पैदा करें जो कौमी एकता के मामले में बरेली को एक मॉडल शहर के रूप में प्रस्तुत करे? नहीं है, हम लोग जो है, हमारा हम ही नहीं, तमाम सामाजिक संगठन इसकी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हैं और नैतिक जिम्मेदारी के नाते ही इसके लिए बार बार प्रयास करते हैं और दोनों प्लेटफॉर्म को एक जगह मिला देते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं कोई भी अगर किस प्रकार का दलगत या कहना चाहिए कि एक झगड़े की स्थिति पैदा कुछ लोग करते हैं, तो उस फील्ड में हम सबसे पहले पहुंचते हैं। और इसका एक प्रमाण है कि चाहे वो कट्टरपंथी हों दोनों ही समुदायों के, चाहे वो हिंदू समुदाय से हों मुस्लिम समुदाय से हों, तो दोनों अपनी बात फिर वहाँ कहते हैं। और शायद हम ही जैसे लोग ऐसे हैं जो कौमी एकता के लोग हैं, उनके दोनों पक्ष अपनी बात कहने के लिए अपना दिल से गुबार निकाल लेते हैं, तो इसका प्रभाव तो है। लेकिन जैसे हमने एक प्रयास किया, जब इस बार जब हम बरेली महोत्सव मना रहे थे तो एक लोगों ने एक सवाल किया कि यहाँ इतना 1857 में लोगों ने गदर में इतना भाग लिया और यहाँ पर 257 लोगों को बरगद के पेड़ पर फांसी पर लटकाया गया, तो जब ऐसे कोई स्मारक तक यहाँ नहीं बनाया जा सका है तो इसका प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर चीज़ के लिए आंदोलन करिए। हमने ये बात उठाई क्या नाम है कमिश्नरी लेवल पर उठाई, हमने ये बात उठाई नगर निगम के लेवल पर भी उठाई, लेकिन वही है कि जब तक आप आंदोलन नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। मुझे याद है राजेश जी, इसी प्रसंग से मैं कहना चाहूंगा कि दूरदर्शन भी बरेली में जब खुला
आकाशवाणी भी जहाँ पर जब बनी जब इसके लिए आंदोलन किया भूख हड़ताल करनी पड़ी, शायद इसके लिए फिर कुछ काम करेंगे कौमी एकता को बढ़ावा देने के लिए, अगर जरूरत पड़ी तो गांधी वाली नीति अपनाते हुए शायद भूख हड़ताल भी करनी पड़े, करेंगे बिल्कुल। हमारी जो है मन में ये भावना है कि कौमी एकता की इस नगरी को हम बिगड़ने नहीं देंगे, इसका नाम कौमी एकता नगरी रखवाएंगे और सांस्कृतिक राजधानी भी बनाएंगे इस बरेली को उत्तर प्रदेश की। बरेली शहर इस समय अतिक्रमण के दबाव से भरा हुआ है। जी जी बिल्कुल सही है। और अगर आपको ज्ञान हो कि बरेली शहर में जो रिक्शा चालक हैं वो इस समय बाहर के गांव से बहुत अधिक मात्रा में आ रहे हैं, रोजी रोटी कमाने आ रहे हैं और शहर में रिक्शा चला रहे हैं। अभी बरेली शहर को बीच में एक लाइन डाल के उसको दो रास्तों में डिवाइडर के तहत बदला गया है। जो रिक्शा चालक गांव से आ रहा है उसको ये संज्ञान नहीं है कि उसको किस साइड में चलना है, इससे शहर में खास किस्म की अफरा तफरी फैली हुई है। स्पीड बहुत तेज है और दबाव बहुत ज्यादा है। आप चूंकि रिक्शा चालक और ऑटो रिक्शा चालक के संरक्षक हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इन लोगों को समझाने के लिए, इन लोगों को बताने के लिए एक शिविर की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल सही है। इसके लिए बिल्कुल एक वार्षिक हम लोग जो अधिवेशन जब करते हैं जिस प्रकार की चर्चा करते हैं, यही नहीं, हम तो ये भी चर्चा करते हैं कि अपना व्यवहार जो आपके पैसेंजर्स के साथ में आपका जो व्यवहार है वो भी एक अच्छा होना चाहिए, एक नशिष्टता उसमें होनी चाहिए। लेकिन एक समस्या ये है कि लोग सबका सब वो क्लास है जो बगैर पढ़ा लिखा है, इसकी एजुकेशन नहीं है। यहाँ तक हम लोग कहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाइए। इस बार दो साल से हमें काम कर रहे हैं, जो ऑटो रिक्शा चालक जैसे हार्टमैन में जाते हैं, जो लोग बिशप कॉन्रेड में जाते हैं, इनके बच्चों को दबाव डाल के उनको इंग्लिश मीडियम स्कूलों में दाखिला कराया गया, उनकी फीस माफ़ करवाई गई है, यूरन के माध्यम से काम किया जा रहा है। एक धीरे धीरे एक कहना चाहिए कि एक लाइन पर हम लोगों ने लाए हैं और शायद ये बरेली शहर पहला ऐसा शहर है, मुझे तो लखनऊ भी गया हूँ इसी सम्मेलन में, लेकिन जहाँ पर कि इंग्लिश मीडियम में वो बच्चा जो उसके माँ बाप बिल्कुल अंगूठा टेक हैं वो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, आज ऐसी स्थिति पैदा हुई है। नहीं, ये तो दूसरा मसला हो गया जो मैं आपसे कह रहा हूँ, जो शहर में समय रफ्तार चल रही है या मतलब रिक्शा वालों की वजह से ऑटो रिक्शा वाले तरफ से जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जी, जी। उनको थोड़ा सा कम करने के लिए वार्षिक अधिवेशन में हम लोग इस बात का प्रयास करते हैं जी। ये तो निश्चित रूप से प्रयास किया जा रहा है और ये प्रयास हो रहा है और लोगों को एजुकेशन इस बात की दी जा रही है, जिसको कहते ना वो एक तरह से वर्कशॉप कहिए, एक वर्कशॉप है 4 घंटे 6 घंटे का न लगा के ये योजना भी बन रही है। 2 दिन के वर्कशॉप में उनकी रोटी रोजी का सवाल होता है, रोटी रोजी को हम 2 दिन लगातार इनका वर्कशॉप अगर कराएं तो उसको रोटी रोजी कहां से आए, क्योंकि रिक्शा चालक तो हैंड्स तो बहुत है। लेकिन ये प्रयास हो रहा है और शायद साल दो साल में आप देखेंगे, फिर अगर कभी हमें मिलने का मौका मिलेगा तो आपको बताएं कितना सुधार हो रहा है। कल्चर के लिए आप लोग बरेली शहर में बहुत ज्यादा कर रहे हैं, निसंदेह कर रहे हैं, और बरेली महोत्सव जिसका एक खास उदाहरण है, एक अच्छे पैमाने पे आप लोग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बरेली एक कल्चरल सेंटर के रूप में उभर के नहीं आया, क्या कारण है कि यहाँ पर कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर रिहर्सल्स हो सके, जहाँ पर एक माहौल क्रिएट हो सके? देखिए ये बात राजेश जी, हम ये बताएं आपको कि जब हम बाहर से लोगों को यहाँ पर बुलाते हैं, हमने गवर्नमेंट से लड़ाई लड़ लड़के तो 75% किराया यानी 50% तक उसमें करा दिया, जब एयर में करा दिया कलाकार के लिए 50% फ्री, और यहाँ पर 75% रेल में फ्री, चाहे एसी लीजिए या थिन टायर लीजिए। लड़ाई लड़ते लड़ते संघर्ष करते करते केंद्रीय सरकार ने तो इसमें सहयोग किया, लेकिन यहाँ के लोग बरेली कॉलेज जैसे जहाँ पर हमारी टीमें ठहरती हैं, यहाँ का मैनेजमेंट कमेटी में कहीं ना कहीं एक बिखराव हुआ और हमारे लोगों को सड़कों पर डाल दिया गया। तो जब ये बदलाव, ये चेतना लोगों के अंदर नहीं आएगी, उसमें तो मीडिया सबसे ज्यादा भूमिका निभा सकता है कि जो बाहर के लोग जो बिना पैसे के आते हैं, उदाहरण दे दूं मैं आपको कि एयर से आई हमारी चित्रा सुकुमारन, केरला से आई, त्रिवेंद्रम से आई, कोचीन से लोग आए, उनको तो एयर से आ रहे हैं लेकिन यहाँ रहने के लिए जगह नहीं दे पाते लोग, क्या होटल के लोगों को ये व्यवस्था नहीं, टूरिज्म विकास होता है, ये भावनाएं हम पैदा कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं हम लोग। अभी तक सिवाय फैक्ट्रीज के अलावा कहीं से कोई कलेक्शन यहाँ पर नहीं होता है, सरकारी सहायता बिल्कुल नहीं ली जाती है, तो ये चेतना पैदा हो रही है और ये शायद ये जो आप जो सवाल जो आप उठाया है हमारे जहन में है, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और शायद ये ज्यादा दिन दूर नहीं है। जिस तरह से इस बार आपका एक कहना चाहिए कि विश्वानंद दर्पण ने, बीएमसी ने, आपके ने, या कहिए आपका भी प्राइम कहिए, जिसने भी इस तरह से उठाया है, बड़ा प्रभाव पड़ा है। बाहर के लोगों ने जगह जगह इसी बात पर हमें सम्मानित किया कि आपने बिना सरकारी सहायता किस प्रकार के कार्यक्रम किए हैं, एक उदाहरण है और एक उदाहरण बन गए उत्तर प्रदेश में ही, पूरे हिंदुस्तान में एग्जाम्पल बन गए हैं कि ऐसे
से भी आयोजन किए जा सकते हैं। समय लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, ये जो निश्चित है जनाकांक्षाओं पर हम खरे उतरेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। बरेली शहर कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है और जो लोग इन सिलसिलों में काम कर रहे हैं वो भी कुछ खास चेहरे हैं। उन्हीं के लोगों के साथ मिलना, उन्हीं लोगों के साथ बात करना, सुबह दोपहर शाम जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, वही 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 लोग, वही चेहरे, नए लोगों को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? नहीं, नए लोग तो जुड़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि जितना परसेंटेज से जुड़ना चाहिए नए लोगों को, तो अब जो है पुराने लोगों का स्थान लेना चाहिए, ऐसी स्थिति में नहीं आ पाई। उसके पीछे कई कारण है, एक तो ये भौतिकवादी युग है, मैटेरियलिज्म में ज्यादा हर कलाकार या हर व्यक्ति जो कहता है कि मुझे इसमें क्या मिल रहा है, ये भावना हम लोगों ने पैदा करने का प्रयास किया है कि देखिए भाई, आदमी को जीवन में केवल यही नहीं चाहिए कि आपने अपना कमा लिया, ये ड्रिंक एंड बी मैरी, आपको कम से कम थोड़ा आत्मिक सुख भी चाहिए, इसके लिए परोपकार भी करिए। और ये परोपकार, ये समाज सेवा जो है परोपकार है। ये जो पॉइंट आपका है, ये पॉइंट निश्चित है कि नई पीढ़ी जुड़ने के लिए, उसके लिए हमसे कहते हैं कि आपको सेटिस्फेक्शन भी तो कोई चीज़ है। मैं तो उदाहरण के लिए कह सकता हूँ कि जो लोग इस प्रकार के कामों करते हैं वो मानसिक रूप संतुष्ट रहते हैं, बीमार नहीं होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। परिवार उनका सुखी रहता है, परिवार के उनके सदस्य अच्छे रहते हैं, इसलिए नई पीढ़ी जुड़ रही है। गति उसकी धीमी हो सकती है, लेकिन निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। जिस तरह का काम आप लोग कर रहे हैं, ये काफी सारे लोगों को एक साथ लेके चलने वाला काम है जी। क्योंकि भौतिकवादी युग, जैसे आपने कहा, लोगों की अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ऐसे में असहयोग भी बहुत रहता है जी। उस असहयोग को सहयोग में बदलना जी। और काम का लक्ष्य जो भी है उसको अचीव कर लेना, ये कैसे करते हैं? ये तो कोई इसमें कोई कठिन काम नहीं। अगर आपको ज्यादा सेक्रीफाइस करें, आप ज्यादा समय दे रहे हैं, आप अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं, आप जो है अपने परिवार को संतुष्ट किए हुए हैं, परिवार आपके मार्ग में बाधा नहीं बन रहा है, तो ऐसी कोई चीज नहीं, क्योंकि फिर तो एग्जाम्पल बन जाता है, वो आदर्श बन जाता है। वो व्यक्ति कहते हैं भाई ये कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। मैं आपको एक उदाहरण से कह सकता हूँ, जब हमने यहाँ पर सन 52 से लेकर और सन 56 तक जब नाटकों की शुरुआत की, तो यहाँ लड़कियों को लोग पता नहीं किस गंदे नाम से बुलाया करते थे, लेकिन कुछ समय ऐसे बाद ऐसा समय आया कि नहीं, अगर वहां जा रहे हैं आप तो जाइए। तो ये स्थितियां पैदा हो रही हैं, और ये पैदा होने के बाद आदर्श बन रहे हैं वो लोग। निश्चित है कि जो नई पीढ़ी है वो आदर्श पहले मानती है, उस व्यक्ति को जिसके सामने उन्हें दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति सब जगह सम्मान प्राप्त है। सम्मान भी आदमी को जब मिलता है कि जब कुछ सेक्रीफाइस करता है, सेक्रीफाइस की बाध्यता पैदा की जा रही है नई पीढ़ी में। और शायद कितना ही भौतिकवादी जमाना सही, कितना ही लोग जो है वो उसमें भाग रहे हों, भाग दौड़ में इतनी ज्यादा एक भौतिक युग की ओर जा रहे हों, लेकिन फिर भी उनको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है समाज सेवा से, उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है आपके सांस्कृतिक सेवा से, धरोहर रक्षा से। और ये सब काम बरेली में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको कुछ लोग नहीं, अब तो बहुत से लोग करते हुए दिखाई दे जाए। सुबह दोपहर शाम, जाड़ा गर्मी बरसात, रात आधी रात, कहीं भी कोई फंक्शन हो रहा हो, जैसे पालीवाल साहब मौजूद होते हैं। क्या दिनचर्या रहती है आपकी और कैसे आप मैनेज करते हैं? देखिए, एक तो एनर्जी, शक्ति मिलती है मुझे जब कभी कोई रात को अगर 2 बजे सर्दी के दिन में बुलाता है, आवाज लगाता है बाहर से। पहले तो हमारे परिवार के लोग, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे कहा करते थे पापा मत जाइए, जमाना बहुत खराब है, लेकिन हम निकल पड़ते थे। आज भी निकल पड़ते हैं, कहीं तंगा होता वहां निकल पड़ते हैं, कर्फ्यू लगता है वो निकल पड़ते हैं। एक तो हमको स्फूर्ति मिलती है, ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है उससे। दूसरी ओर जो है वो लोग जिसके साथ हम जाते हैं, वो समझता है कि नहीं भाई कौन आया, ऐसा कई बार हुआ, ये कभी पुरस्कार इसी बात में मिला। हम जिस वक्त यहाँ पर आर समाज गली में जो दंगा हुआ, उस दंगे के समय में मैं वहां से आ रहा था अपनी बेटी के साथ में, स्कूल से मेरी बेटी आ रही थी, बड़ी बेटी, और जब मैं ला रहा था रास्ते में, तो मैंने बेटा कहा कि तुम तो जाओ बेटा, ये जो दुकान लूट रही है मैं इसको बचा दूं। वो कनॉट प्लेस मार्केट की दुकान लूटने की तैयारी हो रही थी, इसमें आग लगाने की तैयारी हो रही थी। जब मैंने उनको रोका तो कुछ लोगों ने एकदम से मारपीट की, मेरे कपड़े पपड़े भी पड़े। उन्हीं में से केवल एक व्यक्ति आया और कहा अरे क्या कर रहे हो, देख कौन तो है, देखो जैसे पालीवाल है। एक व्यक्ति की ही आवाज लगाने के पालीवाल लोग भाग खड़े हुए। मैं कोई एक ताकतवर नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा कोई एक दादा नहीं, लेकिन लोगों में इस प्रकार का ये रहता है कि नहीं अमुक व्यक्ति है भी, देखो इसके सामने ऐसी चीजें न करो। ऐसा इसलिए हो पाता है कि हमारे अंदर एक जो भावना है, जो काम करने की इच्छा है, जो प्रबल एक कहना चाहिए कि स्ट्रांग विल है, वो स्ट्रांग विल कभी कमजोर नहीं पड़ती है। आप कभी याद करके देखिएगा, कोई भी याद करके देखे, ये मान के अगर कोई दरवाजे पर आता है तो ये सोच के हमारे दिमाग में होता है कि आखिर क्यों आया ये, आखिर इसको क्या है, क्यों नहीं इसकी हम मदद करें। हम मदद करने लगे जरूर मदद करें, ये स्फूर्ति देती है, बातें ताकत देती है। और मैं समझता हूँ आज की तारीख में भी आप कभी भी रात के 12 बजे फोन करके देखिए,
मैं जगा हुआ मिलाऊंगा और सुबह 5 बजे फिर कर लीजिए। मुझे कहीं थकान या कहीं अभी भी पैदल, जितनी पैदल यात्राएं आज भी हम करते हैं उतना लोग नहीं करते हैं। इससे क्या है, इससे दूसरों को कुछ नहीं मिल रहा। राजेश जी मैं तो ईमान के चलता हूँ, मेरा स्वास्थ्य मेरा परिवार सही हो रहा है। और हर व्यक्ति को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी जब काम दूसरों के लिए आप करते हैं लेकिन वो स्वयं अपने लिए भी कर रहे हैं, ये भावना अगर मन में आ जाएगी तो कहीं कोई भी काम आपका रुकेगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। देखा आपने, यदि आप सामाजिक सरोकारों से जुड़ते हैं, आप सांस्कृतिक सरोकारों से जुड़ते हैं, आप अपने शहर की जनता से, देश की जनता से, अपने परिवार से जुड़ते हैं, यानी कि आपकी सारी सोच, आपकी सारी कवायद जो है सकारात्मकता की तरफ रहती है, तो ऊर्जा आपके अंदर रहती है। वो ऊर्जा आपके शरीर से निकलकर दूसरों को भी ऊर्जा देती है, उस ऊर्जा का संलयन होता है, विखंडन नहीं होता। तो अपने अंदर भी ऐसी ऊर्जा पैदा करें। और हम स्टूडियो में आने के लिए पालीवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपसे भविष्य में भी दिशा निर्देश मिलते रहेंगे। इसी के साथ आपकी बात आपका अपना कार्यक्रम है, इससे जुड़िए और हमें अपने पत्र लिख भेजिए। इस पते पर कार्यक्रम आपकी बात, विश्व मानव भवन, 103 सिविल लाइंस, हिंद सिनेमा के पीछे, बरेली। फोन 9359111011। तो दोस्तों, आपकी बात के अगले कार्यक्रम में हम आपसे इसी चैनल पर इसी वक्त फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ आपके लिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। क्या बात है।